वेलकम टू नदवी अरबिक एकेडमी। मैं हूं शादाब नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नदवी अरबिक एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक डुअल। अरबी जबान में डुअल कैसे बनाए। असल में जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज में एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है, लेकिन अरबी जबान में सिंगुलर और प्लूरल के बीच में भी एक चीज होती है, वो है डुअल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अरबी जबान में डुअल तस्निया कैसे बनाया जाता है। हलंतुम जाहिजून, आर यू रेडी, फल नब्दा, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर सबसे पहले दो नोट हमने लिखे हैं। नंबर वन, इन अरबिक देयर इज अ नंबर बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल इज कॉल्ड मुसन्ना। अरबी जबान में डुअल को मुसन्ना कहा जाता है। मतलब जैसे होता है एक दरवाजा और हम बोलते हैं दरवाजे बहुत सारे, लेकिन अरबी जबान में बीच में भी एक चीज होती है जिसको तस्निया कहते हैं या मुसन्ना कहते हैं। जैसे दो दरवाजे, दो किताबें, दो कलम, दो टीचर, दो स्कूल, दो टेबल। तो अरबी जबान में इस दो के वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए अलग से एक रूल है, एक कायदा है इसको बनाने का। किसी और लैंग्वेज में हम टू पीपल, लाइक टू पर्सन, टू पेन, टू हाउस, टू स्कूल्स, टू की जो नंबर है वो यूज करके हम बना लेते हैं, बट इन अरबी लैंग्वेज में इस तरह से नहीं होता, बल्कि प्रॉपर उसका एक रूल है कि उस वर्ड को, किसी भी सिंगुलर को उसमें कुछ ऐड करते हैं और वो ऑटोमेटिक डुअल बन जाता है। नंबर टू, अब ये है कि डुअल बनाया कैसे जाता है। तो यहां पर एक रूल लिखा हुआ है, द डुअल ऑफ नाउन इज यूजली मेड बाय एडिंग अलिफ नून और या नून टू सिंगुलर नाउन। किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में, सिंगुलर नाउन है उसके बाद जो है आप अलिफ नून उसमें लगा दें तो वो वर्ड जो है वो डुअल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है वलदुन, अब इसका मतलब है अ बॉय। अब हमें कहना है टू बॉयज। अब टू बॉयज को अगर हमें कहना है तो कैसे कहें। तो सबसे पहले रूल क्या है कि वलदुन, तो वलदुन कोई भी वर्ड लीजिए, अगर उस पर तनवीन लगी हुई है तो इस तनवीन को हटा दीजिए, ठीक है। तनवीन हटा करके उसके ऊपर जबर लगा दीजिए, फतहा लगा दीजिए और उसमें अलिफ और नून ऐड कर दीजिए तो वर्ड बन जाएगा वलदुन से वलदान, मतलब हो जाएगा टू बॉयज। फॉर एग्जाम्पल बाबुन एक वर्ड है बाबुन, तो बाबुन एक वर्ड है उसका मतलब होता है अडोर। अब ये वर्ड है अडोर, अब अगर हमें बनाना है टू डोर तो हम बनाएंगे बाबुन, ठीक है, उसके साथ अलिफ नून ऐड करेंगे तो हमारे पास डुअल बन जाएगा बाबानी, बाबानी, और मतलब हो जाएगा इसका टू डोर्स, ये मतलब हो जाएंगे इसके। इसी तरह से अगर ये तो उसमें हुआ, मैस्कुलिन में हुआ, और अगर हमको फेमिनिन में ही चीज करनी हो तो फेमिनिन में भी अगर ये करना है तो उसको देखो कैसे करते हैं। एक वर्ड है नाफिजतुन, नाफिजतुन का मतलब होता है, नाफिजतुन ये वर्ड है इसका मतलब होता है अ विंडो, ठीक है। अब हम इसको, इसका डुअल बनाना है तो हम इसके बाद अलिफ नून लगाएंगे और ये जो ता राउंड ता है इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे ना, ये हो गया नाफिज और इस ता को ऐसी शक्ल में लेकर के इसके बाद अलिफ नून लगा देंगे नाफिजतानी। ये जो ता है लास्ट वाली ये इस शक्ल में यहां पर हमारे सामने आ जाएगी नाफिजतानी टू विंडोज। इसी तरह से मदरसतुन स्कूल, मदरसतुन ये स्कूल है। अब अगर इसका डुअल बनाना है तो वही है, इसके लास्ट में अलिफ नून लगाएंगे
और वर्ड हमारे पास बन जाएगा मदरसतानी, ये हमारे पास वर्ड बन जाएगा। तो ये जो यहां पर ता राउंड थी वो जब डुअल बनाने में इस तरह से लिखी जाएगी, उसी के साथ अलिफ को अटैच करके आप लिखेंगे। किसी भी वर्ड को लिखें आप, नाफिजतुन है, मदरसतुन है, इसी तरह से किसी भी वर्ड तालिबतुन या किसी भी वर्ड को लिखें वो इसी तरह से लिखा जाएगा। ये यहां पर ये तो हो गया इसका कायदा। अब इसको यूज क्या है इसका, आइए कुछ सेंटेंस बना करके वो भी देख लेते हैं कि इसको यूज किस तरह से करते हैं, देन वी विल नो कि हम इसको किस तरह से यूज करें। ये हमारे पास कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, हमने यहां पर दो सेंटेंस की अरबी बनाई और बाकी की अरबी नहीं बनाई है। हम चाहते हैं कि आप ये सीखें कि जब डुअल को सेंटेंस में यूज किया जाए, जब डुअल को सब्जेक्ट बनाया जाए और उसका प्रिडिकेट लाया जाए, या जब डुअल को एडजेक्टिव नाउन बनाया जाए और उसका एडजेक्टिव लाया जाए, किसी भी कंडीशन पे आप उसको यूज करें तो कैसे यूज होगा, आइए वो भी सीखते हैं। तो एक सेंटेंस है द डोर इज ओपन, ये हम बहुत पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का लेसन नहीं देखा है तो यहां पर आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं, आपको उससे काफी मदद मिलेगी। तो हमारा द डोर इज ओपन, तो हमारा है अलबाब मफ्तून, वेरी सिंपल। अब हमें बनाना है द टू डोर्स आर ओपन, दो दरवाजे खुले हुए हैं, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। तो हम पहले बाबुन को तस्निया बनाएंगे, तो हमारा कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीखा, किसी भी सिंगुलर के लास्ट में हम अलिफ नून ऐड कर देंगे। तो इसमें अलिफ नून ऐड कर देंगे, वर्ड बन जाएगा अल बाबानी, अल बाबानी, तो ये यहां पर ऐड हो जाएगा, अल बाबानी हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये इसका प्रेडिकेट है, तो अरबी जबान का कायदा ये है कि प्रेडिकेट हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। यहां पर सब्जेक्ट डुअल हुआ तो प्रेडिकेट भी डुअल होगा, मफ तू हानी, मफ तू हानी, अलबाबानी मफतू हानी, द टू डोर्स आर ओपन। ये तो हुआ मैस्कुलिन की मिसाल हुई कि ये मुसन्ना है यानी कि ये डुअल है और साथ साथ में ये मैस्कुलिन है, तो दोनों रूल यहां पर भी हुए कि ये डुअल हुआ और साथ साथ में ये मैस्कुलिन हुआ, एग्जाम्पल ये हो गया। अब अगर हम फेमिनिन का एग्जाम्पल लें तो किस तरह से, वही सेम रूल होगा कि नाफिजा के साथ अलिफ नून ऐड हो जाएगा लास्ट में, तो वर्ड बन जाएगा द टू विंडोज आर शट अन्नाफिजतानी, अन्नाफिजतानी, ये यहां पर बन गया द टू विंडोज बन गया आर शट। तो हम इसी को जो शट का मतलब है इसी को हम डुअल बना देंगे, ये मुगलकतुन है, इसको हम मुगलकतान बना देंगे और वर्ड हमारा हो जाएगा मुगलकतानी, अन्नाफिजतानी मुगलकतानी। तो यहां पर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह दो सेंटेंस और लिखे हैं हमने, जो नॉर्मली हम पूछते हुए हमसे पूछे हाउ मैनी या हाउ मैनी और हाउ मच, ये भी हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हाउ मैनी और हाउ मच का यूज नहीं देखा है तो वो यहां पर लेसन आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं, उसके बाद आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आई हैव टू बुक्स फॉर एग्जाम्पल, तो आई हैव को हम सीख चुके हैं, वहां पर हमने सीखा था कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के लिए हम इन दी यूज करते हैं, तो हमने यूज किया इन दी, इसका मतलब हो गया आई हैव टू, तो किताबुन होता है सिंगुलर, उसका डुअल बनाया इन दी किताबान, इन दी किताबान। अब आप कुछ भी बढ़ाते जाइए, कार, तो यहां हो जाएगा इंदी सैयारतान, इंदी बैतान, इंदी कलमान, इंदी कमीसान, इंदी हातिफान, आई हैव टू मोबाइल, आई हैव टू फोन, इंदी गुरफतान, आई हैव टू रूम, इंदी किताबान, इंदी कुरासतान, जो भी आपको वर्ड मिलता है, कुर्सियान, जो भी आपको वर्ड मिले आप उसके आगे सिंगुलर अलिफ नून बढ़ाइए और डुअल बन के आपके लिए तैयार हो जाएगा। आई हैव टू बस इन दी हाफिलतान, सेंटेंस हमारा तैयार है।
इस तरह से आई हैव टू ब्रदर एंड सिस्टर होता है, लेकिन हमने वहां पर यह एक्सप्लेन किया था आपके सामने कि आई हैव जब नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के लिए होता है तो अलग होता है, और जब वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट के लिए होता है तो अलग होता है। तो आई हैव टू ब्रदर एंड सिस्टर, तो आई हैव को यहां पर जो है अरबी में बोलते हैं ली, ली बोलेंगे क्योंकि हम उसके बाद ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ब्रदर है तो ब्रदर हो जाएगा अखुन से अखवान, ठीक है। आई हैव टू ब्रदर, आई हैव टू सिस्टर, तो हो जाएगा इंदी उख्तानी, उख्तानी। इसी तरह से आई हैव टू फ्रेंड, इंदी सदीकान, उसी का फैमिल बोलना है, ली सदीकतान और ली सदीकान। इस तरह से हम इसको यहां पर कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमने आपके सामने बताई थी आई हैव के बारे में, आप लेसन से सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम अरबी में डुअल बना सकते हैं। अब आपके सामने कहीं भी कुछ अरबी के वर्ड हैं और आप चाहते हैं कि आपको अरबी के वर्ड मिले, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज नदवी अरबिक अकेडमी से पूरी शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको डुअल बना करके हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भी भेज सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी भेज सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कोई चीज मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह हमारा लेक्चर कैसा लगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस इजी ग्रामर को सीखें तो हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रन, इला लिका।